उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने महासमुंद जिले में नया कृषि महाविद्यालय खोला है। कॉलेज के लिए 77 एकड़ की जमीन भी आवंटित कर दी गई है, लेकिन मूलभूत व्यवस्थाएं अब तक नहीं मिली हैं। लिहाजा जिले के नए कृषि महाविद्यालय में असुविधाओं के कारण यहां पढ़ने वाले 54 विद्यार्थियों का भविष्य पिछले 2 सालों से अधर में लटका हुआ है। महाविद्यालय में न तो प्रयोगशाला है, न ही लाइब्रेरी, न बैठने की जगह और न ही विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक। कॉलेज 17 स्वीकृत पदों में से केवल एक प्रोफेसर, 4 संविदा शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा है। ऐसे में छात्रों छात्राओं को भविष्य की चिंता सता रही है। तो आपको तस्वीरें ये महासमुंद की दिखा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से ये विद्यालय की हालत ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, जो छात्रों छात्राएं वो परेशान हो रहे हैं। और 2 साल पहले ये कृषि महाविद्यालय खोला गया था, आपको बता दें। लाइब्रेरी यहाँ पर नहीं है, 17 पद जो है स्वीकृत तो कर दिए गए हैं, एक प्रोफेसर और 4 संविदा शिक्षक के भरोसे ये कॉलेज चल रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लेखराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेखराज, 2 साल पहले ये कृषि महाविद्यालय खोला गया, आखिर क्यों यहाँ पर सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है? जी, बताना चाहूंगा कि 2 साल पहले महासमुंद जिले में लगातार उच्च शिक्षा की मांग पर जो है कृषि विद्यालय खोलने की घोषणा हुआ था, और इसके लिए बकायदा जिला प्रशासन ने पहल करते हुए नेशनल हाईवे से लगा कापा महाविद्यालय के नाम पर 77 की जमीन अलॉटमेंट कराया था। महाविद्यालय का शुभारंभ तो 2018-19 के पहले सत्र में कर दिया था, जिसमें 27 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था, लेकिन कॉलेज के अभाव में उन्हें इस साल की पढ़ाई रायपुर में करनी पड़ी। और वर्तमान में दूसरे बैच के लिए जो 27 विद्यार्थियों का एडमिशन महासमुंद जिले में हुआ था, उसको औपचारिक रूप से व्यवस्था करते हुए जिला बैच के 4 कमरों वाले छात्रावास भवन में शिफ्ट कर दिया गया था। जी रेखराज, कितने यहाँ पर विद्यार्थी हैं, कितने शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और किस किस विषय के यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है? जी, अभी 57 विद्यार्थी जो है महाविद्यालय में अध्ययनरत है, और अगर सेटअप की बात करें तो जो है इसमें सेटअप की बात करें तो जो है एक दिन एक प्रोफेसर और 2 सहायक प्राध्यापक एवं 13 सहायक प्रोफेसर की जो है पद स्वीकृत है, पर कॉलेज ने अभी तक 17 पदों में से सिर्फ एक प्रोफेसर और 4 इतने सारे पद आप बता रहे हैं, पर वहाँ पर अभी तक जो शिक्षक है वहाँ पर नहीं लगाया गया, तो ऐसी क्या वजह है? आपने बड़े अधिकारियों से भी बात की होगी, प्रबंधन से भी बात की होगी, उनका क्या कुछ कहना था? प्रबंधन से इस संबंध में हमने चर्चा किया है कि 17 पद होते हुए भी 4 पद और एक डीन के हवाले जो है महाविद्यालय संचालित हो रहे थे। उसका कहना है कि संबंधित विभाग विश्वविद्यालय और प्रभारी मंत्री के साथ संज्ञान में लाया गया था, और निरंतर जो है विश्वविद्यालय के अधिकारियों के संपर्क में रहते हुए नियमित रूप से अवगत कराते आ रहे हैं कि यहाँ पर पद और जगह की बहुत कमी है, जिसके कारण बच्चे जो है पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाते हैं महाविद्यालय में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जो जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल एक्सप्रेस स्पेशल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।